भारत माता की जय। हमारे सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा जी और इस कार्यक्रम में जब से जुड़े हैं अपनी पूरी शक्ति से इस कार्यक्रम को अत्यंत ऊर्जावान कर चुके हैं ऐसे सच्चिदानंद पोखरियाल जी, जो पूर्व में मंत्री भी रहे उत्तराखंड के। राजेश जी से पहले वो बोल रहे थे जिन्होंने माइक का आत्मसमर्पण किया था। कार्यक्रम के संयोजक गिरीश कुमार पाठक जी और मंच पे उपस्थित इस सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक मंडल में श्री कपिल स्वामी जी और इसके संरक्षक मंडल में वैसे तो कई लोग हैं, और ये पुस्तक जो आप सबके पास पड़ी होगी, पता नहीं अभी तक मिली है सबको या नहीं, मिल गया है। इसमें वो सभी पदाधिकारी और हमारे एक मित्र शरद श्रीवास्तव जी भी इस सैल्यूट तिरंगा के बहुत प्रमुख अंग हैं, और हमारे एक और स्वामी जी जो इस कार्यक्रम में बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, हरित प्रीता जी, मंचासीन और सामने बैठे हुए आज जिनको कार्यक्रम में अवार्ड मिलना है। मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ सैल्यूट तिरंगा के इतिहास के विषय में, तो मुझे लगता है कि वो एक लाइन जो कही जाती थी ना, कि लिखी गई है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तो वो मुझे उसका अर्थ समझ में आता है। एक बार मैं पुनः बताना चाहूंगा कि राजेश झा जी मेरे पास पार्टी में पद मांगने आए थे। मैंने इनको कहा था कि राजेश जी आप इस पद से बहुत ऊपर हैं, आप अपनी ऊर्जा को, वैसे तो मैं पद दे ही दूंगा, दे भी रहा था इनको, अब अध्यक्ष तो मैं बन गया था, वो तो दे नहीं सकता था। तो हमारी बात को इन्होंने बहुत सकारात्मक रूप से लिया मेरे भाई बहन, और आप यहां सभागार में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, जो अवार्डी है वो भी, और जो सैल्यूट तिरंगा के सक्षम सिपाही हैं वो भी। आप सभी को मैं मनोज तिवारी हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं सभी भाई बहनों को। तो मैंने इनसे कहा कि आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी संस्था का निर्माण हो, और फिर सैल्यूट तिरंगा का जन्म हुआ। ये इन्हीं के दिमाग की सोच है। हमारे इस कार्यक्रम में आज केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे जी, जो हमारे संरक्षक भी हैं, अब वो प्रवेश कर चुके हैं। जोरदार तालियों से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय महेंद्रनाथ पांडे जी, जो मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भैया को मैं मनोज तिवारी प्रणाम भी करता हूं। जी जी, आशीर्वाद है आपका। आप मंच पे आसन ग्रहण करें। तो जब निकल पड़ा सैल्यूट तिरंगा का ये सफर, तो आपको एक दो बात मैं बताना चाहता हूं कि हमने देखा राजेश झा की लोगों को जोड़ने की कमाल क्षमता है। राजेश झा
पता नहीं कोई और धातु ऐसे जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है, लेकिन राजेश जाजी को जहां जहां काम दिया गया लोगों को जोड़ करके इतना बड़ा संगठन खड़ा किए हैं, जिसपे आज हमको भी गर्व हो रहा है। हमें तब ये नहीं पता था कि सच में नहीं पता था कि सैल्यूट तिरंगा इतना बड़ा होगा। मैं राजस्थान के गांव में प्रचार कर रहा हूं और अचानक से एक आदमी आता है, बोलता है, भाई साहब मैं सैल्यूट तिरंगा का सदस्य हूं। मैं तेलंगाना में हूं और तेलंगाना में एक बहन आती है और कहती है, भाई साहब एक सेल्फी दे देना। इतना तक तो ठीक था, लोग हमें ठेले जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ही कान में आवाज पड़ी, मैं सैल्यूट तिरंगा से हूं, हमने कहा भैया रोक दो सारा काम बाद में, पहले सैल्यूट तिरंगा की सेल्फी होना बहुत जरूरी है। तेलंगाना में हैदराबाद और हो भी क्यों ना हो, इसलिए कि सैल्यूट तिरंगा की सोच बड़ी पवित्र है। इस देश के 140 करोड़ लोगों में से कौन ऐसा होगा जो तिरंगे को सैल्यूट करने के नाम पे पीछे हट जाएगा। हम तो नहीं मानते हैं कि कोई ऐसा होगा, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी नहीं समझते होंगे, तो सैल्यूट तिरंगा उनको भी तिरंगे के भाव से जोड़ कर रख देगा। ये हमारा उद्देश्य है, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हर साल हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, तो इस बार हमने कहा था, देखो भाई जिसकी भी राजेश जी को और सच्चिदानंद जी बैठते हैं, तो हम लोग काफी समय लगाते हैं, घंटों घंटों इसमें बैठते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि देखो इस बार जब हम लोग के अवार्डीज का लिस्ट हो, तो पहले से उनकी पुस्तक में छपनी चाहिए, पहले से दुनिया को पता हो कि ये हमारे अवार्डी है। इसके बाद भी आपको लगा कि कोई ऐसी विभूति हमारे नजर से छूट गई जो इसी वर्ष उनको देना आवश्यक है, तो हम अपनी कार्यकारिणी से को मिला करके एक संशोधन प्रस्तुत करेंगे और कर लिया जाएगा। और चूंकि 2024 है, 2024 के मुहाने पे खड़े हैं, तो हम लोगों ने 2023 के इस अवार्ड में 24 विभूतियों को अवार्ड देने का निश्चय किया है। 24। अब वैसे तो कोई कुछ भी सोच लेता है, कल अटल जी का जन्मदिवस था, जन्म जयंती थी, मैं एक जगह सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर रहा था, तो मैंने पूछा कितने लोग हैं, बोले 56 लोग। तो कई लोग बड़ी तेज हंसने लगे, अब 56 कहने से भी किसी की याद आ जाती इस देश में। ये देश का गौरव है। आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है मेरे भाई बहन, आज वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस आज के 3 साल पहले नहीं मनाया जाता था, पिछली बार घोषित हुआ और आज उसका 2रा वर्ष है, और एक प्रकार से कहिए तो सही मायने में पहली बार आज मना। भारत मंडप से हम वहां से लौट के, फिर हम निकल के यहां से वाराणसी गए, वाराणसी में कुछ काम किया, फिर आपके बीच में है। सुबह 9:30 बजे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वीर बाल दिवस। अब ये कई कहानियां हमारे देश के लोगों को पता नहीं जो हमारे तिरंगे से जुड़ी हुई है, पता नहीं आप सब में से कितने लोग भारत मंडप में गए हैं, लेकिन नहीं भी गए हैं तो चिंता नहीं करिएगा, अगला सैल्यूट तिरंगा का वार्षिक कार्यक्रम भारत मंडप में है। और वो हॉल भी अद्भुत है, एक साथ उसमें 8,000 लोग बैठ सकते हैं,
8000, दुनिया का इतना बड़ा कोई भी हॉल नहीं है। अब सबसे बड़ा भारत का भारत मंडपम है, जहां पे 8000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और ये कार्यक्रम, उसकी शोभा, उसकी तैयारी, वो कहने के लिए क्या कहें, हम तो शब्दों में कह नहीं सकते। आज वहां वीर बाल दिवस मन रहा था। औरंगजेब ने यातनाएं शुरू की, जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे, दो छोटे छोटे बच्चे, उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। माता गुजरी, आज भी उन कहानियों को हम जब कभी पढ़ते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों ने जान दे देंगे मगर धर्म का परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसा कहते हुए और उनको जीते जी जिंदा दीवार में चुनवा दिया। ये कहानी कौन बताएगा दुनिया को? सैल्यूट तिरंगा बताएगा, हम बताएंगे। आज जब वो फिल्म देख रहे थे तो हम तो अपने को समझते हैं हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम भी बहुत कुछ नहीं जानते। और उनके नाम पे वीर बाल दिवस, और आज सिर्फ भारत ने नहीं मनाया मेरे भाई बहन, आज वीर बाल दिवस जो भारत ने शुरू किया उसको अमेरिका ने भी मनाया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी मनाया है, ब्रिटेन ने भी मनाया है, न्यूजीलैंड ने भी मनाया है। और उसमें अगर सबसे ऊपर कोई निशान दिखाई देता है तो ये हमारा तिरंगा दिखाई देता है। ऐसे वीर बच्चे दुनिया में किसको नसीब है? जो जो कहा आज मणि, हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी आए थे, हमारे केरल के बच्चे भी आए थे और पंजाब के बच्चे भी वहां परफॉर्म कर रहे थे। हमारा उद्देश्य यही है। मैं आप सबको प्रार्थना करूंगा, मेरी ये कहानी सुनाने का सिर्फ अर्थ इतना है कि हो सके तो ऐसे वीर बच्चों के बारे में, ऐसे वीर वीरों के बारे में, ऐसी वीरांगनाओं के बारे में सैल्यूट तिरंगा अगर एक व्यक्ति 5 लोगों को भी बताएगा तो सैल्यूट तिरंगा बनाना सफल हो जाएगा। यही हमारी आप सबसे प्रार्थना। अब अच्छा लगा मुझे इस बार 24 अवार्डीज का 30, अच्छा हाँ जी 30, अच्छा मैं 24 गिन लिया था, गलती हो गई मेरी, कुछ बातों को रिकॉर्ड से निकाल लिया जाएगा। अब लोकसभा में कुछ हो जाता है तो उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता है, यहाँ भी निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब मैं कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं आया हूँ, यही जो देख रहा हूँ उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। तो हम 30 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, बीच में हम 24 कह दिए, क्षमा चाहता हूं। तो ये 2030 तक की तैयारी है। अच्छा होता 2047 के हिसाब से 47 रख लिए होते और भी बढ़िया होता। मगर उन सभी लोगों का जिनका नाम है इसमें, उन सभी लोगों को, कर्नल अजय कोटियाल जी, प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी, श्री आलोक राज आईपीएस, श्री अनिल प्रथम आईपीएस, श्री राजेश राज मीडिया से, प्रोफेसर जेपी लाल जी, श्री एसएस वशिष्ठ जी, श्री शैलेंद्र सिंह जी, श्री राजेश दुग्गर जी, श्री मालाजी लाल जी, हाँ श्री मिजाजी लाल जी, ये मिस प्रिंटिंग इसका मतलब हो गया, डॉक्टर विनय कुमार जी, डॉक्टर विनय कुमार टंडन जी, श्री आलोक सिंह आईपीएस, श्री राम गोपाल शुक्ला जी, श्री नवीन झा जी, श्री दिनेश हुडा जी, श्री कुणाल सारंगी जी, श्री नीरज सिंह जी, श्री संजय त्यागी जी, श्री संजय त्यागी जी, श्री दिनेश त्यागी जी, श्री राकेश नथानी जी, श्री प्रिंस एसपी, श्री सुमंत कुमार जी,
ये भी मीडिया से हैं, श्री दीप्ति दयाल खुंद जी, श्रीमती पूनम मंझारिया जी, श्रीमती के नागालक्ष्मी जी, मिस प्रिशा त्यागी जी, श्री संपूर्णानंद त्यागी जी, श्री राकेश रोशन अग्रवाल जी, श्री नंद किशोर रजत जी, आप सभी को मैं मनोज तिवारी अपनी तरफ से बहुत बधाइयां देता हूं। आप सैल्यूट तिरंगा के द्वारा चुने गए हैं, आपकी सेवाएं इस देश के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए आप सबसे विदा लूं। इसके पहले मुझे सिर्फ एक ही लाइन कहनी है। हमने एक गीत बनाया सैल्यूट तिरंगा के लिए, और उस सैल्यूट तिरंगा के गीत को आजकल काफी लोगों ने सुना है। उस भाव को हम लोग याद रखेंगे। वैसे तो हम तिरंगे का गीत बचपन से गाते थे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर साने वाला प्रेम सुधावर साने वाला, वीरों को हर साने वाला प्रेम सुधावर तुझ पे अर्पण तन मन सारा झंडा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा, तेरी शान कभी ना जा, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, तुझ पे अर्पण तन मन सारा झंडा विजयी विश्व तिरंगा। भारत माता की, इन भावों को दिल में सजा के बढ़ना है। सैल्यूट तिरंगे के साथ देश की गति को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक देश विकसित बने, इसमें सैल्यूट तिरंगा को भी अपना भूमिका अदा करना है मेरे भाई बहन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।